तो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में जैसे कि आप लोग ने देखा था यहाँ पे गाइस अवेंजर्स लोग जा रहे थे हॉरर मूवी देखने के लिए फ्रैंकलिन के साथ, बट फ्रैंकलिन यहाँ पे मना कर देता है क्योंकि यार फ्रैंकलिन थोड़ा डरपोक किस्म का था, उसे डर लग रहा था। ये बात यार अवेंजर्स लोग को पता चल जाती है और अवेंजर्स लोग फ्रैंकलिन को चिढ़ाने लगते हैं कि फ्रैंकलिन बहुत ही डरपोक है। फ्रैंकलिन गुस्से में आकर के बोलता है मैं डरपोक नहीं हूँ, जो करना है कर लो। तो उसी के बाद अवेंजर्स लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे चार्ली भूतिया गेम खेलने के लिए, वो भी यार कब्रिस्तान में। तो फ्रैंकलिन अपनी बहादुरी प्रूफ करने के लिए वो हाँ बोल देता है और गेम खेलने चला जाता है। और वहां पे चार्ली खेलने के वक्त उल्टा ही होता है, चार्ली तो नहीं आता बट वहां पे साइबेरियन डांसिंग लेडी आती है और यार अवेंजर्स लोग को बंदी बना लेती है। तो फ्रैंकलिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाता है नर्क के दरवाजे पे और यार घोस्ट राइडर को ले आता है। आज के एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि फ्रैंकलिन और घोस्ट राइडर दोनों मिलकर के कि अपने दोस्तों मतलब अवेंजर्स लोग को बचा पाता है और साइबेरियन डांसिंग लेडी को हरा पाता है कि नहीं, देखेंगे आज के एपिसोड में। सो गाइस यहाँ पे घोस्ट राइडर और मैं गाइस दोनों ही जा रहे हैं साइबेरियन डांसिंग लेडी को मजा चकाने के लिए। गाइस एक बार यार घोस्ट राइडर बस वहाँ पे पहुंच जाए तो गाइस ये क्या करेगा ना, साइबेरियन डांसिंग लेडी को राग बना देगा, क्योंकि आपको तो पता ही है घोस्ट राइडर की पावर कितनी कमाल की है, आग की पावर है भाई इसकी। सच में यार इतनी कमाल की पावर है ना कि कोई भी गाइजर विलन इसके सामने टिक नहीं पाता है। तो साइबेरियन डांसिंग लेडी कौन सी खेत की मूली है, वो कैसे टिक पाएगी, वो तो गाइजर 2 मिनट में राग हो जाएगी। क्यों घोस्ट राइडर? पिछले बार जब मैं साइबेरियन डांसिंग लेडी से लड़ा था तो वो बहुत ताकतवर थी फ्रैंकलिन, मुझे पूरा पूरी 1 मिनट लग गया था उसे हराने में। 1 सेकंड? 1 मिनट लग गया था तो इसे तुम उसे पूरा ताकतवर कह रहे हो? 1 मिनट तो भाई कुछ भी नहीं होता। इसका ये मतलब है दोस्तों कि घोस्ट राइडर तो बहुत ताकतवर है। ये गाइजर पिछले बार साइबेरियन डांसिंग लेडी को 1 मिनट में हरा दिया था, तो सोचो इस बार गाइजर मुझे लगता है साइबेरियन डांसिंग लेडी को ये ना ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ले लेगा, अगर ताकतवर हुई तो, और अगर ना ताकतवर हुई तो 0.5 मिनट में ही उसे खत्म कर देगा। अब चलो अवेंजर्स लोग चिंता मत करो, हम लोग आ रहे तुम्हें बचाने के लिए। घोस्ट राइडर मैं पता है तुम्हें अवेंजर्स लोग से मिलाऊंगा जो पता है लॉस सेंटोस को रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा वो भी मेरी तरह भूत है क्या? अरे नहीं पापा वो भूत नहीं है, वो जिंदा है, बट यार वो तुम्हारे जैसा लॉस सेंटोस को बचाते हैं बुरे लोगों से। ओके इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाया हूँ, जल्दी चलो वो लोग को मरने नहीं देना है, जल्दी जल्दी साइबेरियन डांसिंग लेडी से वो लोग को बचा लेना है। चिंता मत करो घोस्ट राइडर आ गया ना, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घोस्ट राइडर साइबेरियन डांसिंग लेडी को मसल देगा। फाइनली गाइजर हम लोग आ चुके खबर के पास एंड गाइजर वो देखो वो रही साइबेरियन डांसिंग लेडी। मैं बोल रहा था ना घोस्ट राइडर ये देखो ये रही साइबेरियन डांसिंग लेडी, बहुत ही खतरनाक है। चिंता क्यों करते हो, मैं आ गया ना अब इसे मैं चुटकी भर में ही मसल दूंगा, आ जाओ फ्रैंकलिन मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी बाइक में ऐसे आग लगा ही रहेगा क्या घोस्ट राइडर? वो मेरी बाइक है आग लगा ही रहता है, आ जाओ अब इसमें आग लगाते हैं। साइबेरियन डांसिंग लेडी मैं आ गया तुम्हें खत्म करने। जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन के दोस्तों को छोड़ दो, अवेंजर्स लोग को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ साइबेरियन डांसिंग लेडी जल्दी जल्दी अवेंजर्स लोग को छोड़ दो तो वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कितनी बेशरम है, मतलब कि देखो तो यार ये डांस कर रही है मेरे अवेंजर्स लोग को किडनैप करके। ओए मेरे अवेंजर्स लोग को छोड़ दो, तुम्हारे सामने इतना बड़ा कंकाल इतना बड़ा खतरनाक आदमी खड़ा है घोस्ट राइडर, तब भी गाजर ये डर नहीं रही है, पता नहीं गाजर से क्या हो गया है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इसे मारना ही होगा। साइबेरियन डांसिंग लेडी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो मार खाओ, मजाक कैसा लगा, ये लो मरो मजाया, ये लो। बढ़िया थी घोस्ट राइडर से पंगा लेने के लिए। फ्रैंकलिन मैंने यहाँ पे साइबेरियन डांसिंग लेडी को सबक सिखा दिया है। अरे वाह घोस्ट राइडर तुम तो सच में कमाल के हो, मुझे तो यार यकीन ही नहीं हो रहा तुमने गाइजर सच में 2 मिनट के अंदर ही गाइजर साइबेरियन डांसिंग लेडी को मार दिया है। अब गाइजर मेरे यहाँ पे सारे के सारे दोस्त लोग आ जाएंगे जिससे गाइजर अब हम लोग हंसी खुशी घर जा पाएंगे। चलो अब मैं भी घर जा पाऊंगा। इतनी आसानी से घर कैसे जाओगे, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ घोस्ट राइडर, तुम्हें क्या लगा मैं पुरानी जैसी कमजोर हो चुकी हूँ? नहीं इधर आओ। ओए छोड़ दे घोस्ट राइडर का गला छोड़ दे। ओ नो गाइजर ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, साइबेरियन डांसिंग लेडी घोस्ट राइडर का गला पकड़ रही है, और गाइजर ये क्या, ये कहाँ इसको लेके जा रही है? अरे साइबेरियन डांसिंग लेडी छोड़ दे इसे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अभी देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। ओ नो गाइजर ये देखो साइबेरियन डांसिंग लेडी घोस्ट राइडर को पता नहीं गाइजर कहाँ लेके जा रही है, लगता है गाइजर ये साइबेरियन डांसिंग लेडी ना घोस्ट राइडर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, पता नहीं गाइजर इसके साथ क्या करेगी। क्या कह रहे थे मुझे मार दोगे 2 मिनट के अंदर, अब कौन मर रहा है ये बताओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूं, बोलो। साइबेरियन डांसिंग लेडी तुम बहुत गलत कर रही हो,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ोगे तब ना जब मुझे पकड़ोगे, अभी तो तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। फेंक दो नीचे, तुम तो मर ही जाओगे। अरे गाइजर ये चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइज यहाँ पे गोस्ट राइडर इतना ताकतवर है तब भी गाइजर अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा साइबेरियन डांसिंग लेडी से। इसका ये मतलब है साइबेरियन डांसिंग लेडी तो बहुत ताकतवर बन के आई है। मैंने तो पहले ही कहा था फ्रैंकलिन, अभी तुमको मैं दिखाती हूँ तुम यहाँ पे दूसरों का सहारा लेके लड़ने वाले हो। पहले बताते ना, मैं भी अपनी टीम बढ़ा लूंगी। नहीं गाइजर ये क्या चल रहा है, ऐसे कैसे? फ्रैंकलिन भाग जाओ फ्रैंकलिन, ये वो साइबेरियन डांसिंग लेडी नहीं है जो मैंने पिछले बार लड़ा था, वो तो बहुत ही नॉर्मल थी, ये बहुत इविल है। फ्रैंकलिन भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। नहीं नहीं गोस्ट राइडर, मैं अपनी जान नहीं बचा सकता तुमको छोड़ करके। भाई भाई मैं तुम्हें लाया हूँ, मुझे यार तुम्हारी रक्षा करनी होगी। फ्रैंकलिन अपनी रक्षा तो पहले कर लो, उसके बाद मेरी रक्षा करना। ये मुझे मार देगी, तुम्हें भी मार दे, उससे पहले तुम भाग जाओ। भाग जाओ तो वरना मैं भी तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। फ्रैंकलिन अभी तो देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ, जैसा मैंने अवेंजर्स लोगों के साथ किया वैसा ही मैं इसके साथ भी करूंगी, इसको भी जमीन के अंदर गाड़ दूंगी। आ जाओ। छोड़ दो साइबेरियन डांसिंग लेडी, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। ऐसे कैसे गलत कर रही हूँ मैं, अभी तो मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगी। ये लो, मजा आया? ओह नो गाइजर, ये क्या कर रही है साइबेरियन डांसिंग लेडी? गाइज इसने तो घोस्ट राइडर को कमर के अंदर गाड़ दिया। अब तुम पत्थरों के नीचे हो। लेकिन मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पे चला के मारूंगी घोस्ट राइडर, पूरे तरीके से दफना के चला भी दूंगी। ओह नो गाइजर, ये क्या कर रही है साइबेरियन डांसिंग लेडी? सबसे पहले गाइजर घोस्ट राइडर को वही दफनाया, उसके बाद ये जला भी रही है। अब आएगा मजा। घोस्ट राइडर जल के मरो, बड़े आए थे मुझे मारने, ये लो। गाइज ये क्या, इसने तो पूरे तरीके से घोस्ट राइडर को जला के मार ही डाला। दोस्तों ये देखो। ओह नो दोस्तों, अब यहाँ पे घोस्ट राइडर भी नहीं रहा। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। गाइज मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे छुप जाना पड़ेगा, वरना अगर यार यहाँ पे साइबेरियन डांसिंग लेडी ने मुझे देख लिया तो वरना तो गाइजर वो मुझे भी यहाँ पे जला देगी, कवर के अंदर बंद कर देगी, फिर जमीन के नीचे गाड़ देगी। ना बाबा ना, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अब गाइजर देखते हैं यहाँ पे गाइजर साइबेरियन डांसिंग लेडी करने क्या वाली है। अब समय आ चुका है अपने दोस्तों को बाहर निकालने का। चलो अपने दोस्तों को मैं बाहर निकालती हूँ। अब मिल करके लॉस सेंटोस में राज्य करना है। आ जाओ मेरे दोस्त लोग, जल्दी से जमीन से बाहर निकलो। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बाहर निकलो, आ जाओ बाहर जमीन के ऊपर। तुम्हारा स्वागत है। मेरे और एक और प्यारे दोस्त तुम्हारा भी स्वागत है, बाहर निकलो। अब हम लोग मिलके राज करेंगे। ये क्या गाइजर दोस्तों, यहाँ पे एक साइबेरियन डांसिंग लेडी कम थी क्या? यहाँ पे गाइजर दो और नए नए भूत आ चुके हैं। भाई यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है भूतिया घर ये लोग खोल रहे हैं कि पता नहीं क्या खोल रहे हैं, इतने सारे भूत आ चुके हैं। दोस्तों घोस्ट राइडर भी यहाँ पे जा चुका है और अवेंजर्स लोग भी गाइजर साइबेरियन डांसिंग लेडी के भाई कब्जे में बंद है। अब मैं क्या करूं, मुझे गाइजर कुछ भी करके अवेंजर्स लोग को तो बचाना है। घोस्ट राइडर तो यहाँ पे फंसा ही निकला, जितना हम लोग ने सोचा था उतना यार नहीं काम किया। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ गाइजर, मुझे वापस से गाइजर नर्क में जाना पड़ेगा और गाइजर लूसीफर से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि गाइजर अब जो मदद कर सकता है वो सिर्फ लूसीफर ही कर सकता है, वरना तो गाइजर ये तीनों के तीनों भूत मिल करके मुझे तो मारेंगे मारेंगे, साथ में गाइजर ये मेरा पूरा का पूरा दुनिया को भी खत्म कर देंगे, मेरा दुनिया को पूरा भूतों का दुनिया बना देंगे, और ये मैं कतई नहीं चाहता। और से भी गाइजर मैंने यहां पे जो नर्क का दरवाजा बनाया था वो गाइजर अभी भी काम ही कर रहा होगा। चलो गाइजर जल्दी जाता हूं नर्क के दरवाजे पे, क्योंकि यार मुझे वापस से लूसीफर से मिलना है और गाइजर लूसीफर से वापस से मुझे पावर मांगनी है। क्या पता मुझे इस बार से भी खतरनाक वाला भूत मिल जाए जो गाइजर यहाँ पे साइबेरियन डांसिंग लेडी और भूतों को मार पाए। तो चलो गाइजर जल्दी से जाते हैं, लेट्स गो। गाइजर मैंने आसपास में ही बनाया था ना यहाँ पे नर्क का दरवाजा, बट यहाँ पे मुझे नर्क का दरवाजा मिल नहीं रहा है। नर्क का दरवाजा कहाँ चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या? नहीं गाइजर यहाँ पे भी नहीं है। ओके एक काम करते गाइजर, नीचे जाके एक बार चेक कर लेते, क्या पता मुझे नीचे मिल जाए। ओके गाइजर फाइनली मुझे नीचे यहाँ पे नर्क का दरवाजा मिल चुका है। ये दोस्तों वो देखो, नर्क के दरवाजे से गाइजर रोशनी निकल रही है। अब गाइजर मुझे ये दरवाजा खोलना और अंदर जाना है, तब मैं गाइजर नर्क के दरवाजे में चला जाऊंगा। ओके दरवाजा खुल जा भाई, दरवाजा तो गाइजर बहुत ही मजबूत मैंने पैक किया था, बट गाइजर मुझे दोबारा से खोलना पड़ रहा है क्योंकि यार मुझे यहाँ पे दोबारा जाना है, ये तो खुल ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ बॉम्ब ही फेंक देता हूँ, ये लो 1 2 3 ये लो बॉम्ब ही फट जाओ। ओके अब गाइजर ये दरवाजा खुल चुका है, मैं अंदर चाहता हूँ। 1 2 एंड 3 लेट्स गो।
ओके गाइजर ये देखो मैं गाइजर फिर से यहाँ पे नर्क में गिर रहा हूँ। बट गाइजर एक सेकंड, मैं गाइजर यहाँ पे जमीन में नहीं कोई बड़ी सी बिल्डिंग में लैंड करने वाला हूँ। गाइज ये कौन सा जगह है? अरे पानी में लैंड करना प्लीज। ओके गाइजर मैं पानी में लैंड किया एंड गाइजर बच गया। यहाँ पे तो मेरा पैराशूट भी नहीं खुला। बट गाइजर चलो मैं पानी में लैंड किया था तो मैं बच चुका हूँ। ये कौन सा जगह है गाइजर? ओके ये तो गाइजर एक वाटर पार्क है। मैं गाइजर वाटर पार्क में लैंड कर चुका हूँ जो गाइजर सबसे टॉप मतलब बिल्डिंग के टॉप में बना है। लेकिन यार लूसीफर मुझे नजर नहीं आ रहा। लूसीफर एक सेकंड ऊपर कौन है? चलिए काम करते देखते हैं। अरे भाई साहब ये तो लूसीफर है, ये देखो। ओके ये छत में क्या कर रहा है? लगता है गाइजर मुझे यहाँ पे छत में जाना पड़ेगा एंड गाइजर इससे मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि गाइजर लास्ट टाइम भी मैंने गाइजर इसी से मदद मांगी थी। लूसीफर वहीं पर आना, मैं आ रहा हूँ छत के ऊपर। भाई यार वहीं पर आना। अरे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन दोबारा से आ चुका है, लगता है मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा इससे मिलने के लिए। चलो गाइजर जल्दी से सीढ़ी चढ़ते हैं। अरे लूसीफर वहीं पर आना, नीचे मत उतरना, मैं आ रहा हूँ ऊपर तुमसे मिलने के लिए। चलो गाइजर जल्दी से ऊपर चलते हैं। और से उसने मुझे देख तो लिया है और गाइजर मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। फ्रैंकलिन तो मेरा नीचे इंतजार कर रहा है। चले काम करते हैं, नीचे चलते हैं। फ्रैंकलिन डोंट वरी, लूसीफर आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। चलो एक काम करते हैं, स्लाइड होके नीचे चलते हैं। ये स्लाइड होके नीचे जाने में मजा ही कुछ और है। एक सेकंड, मैं नीचे तो आ गया, ये फ्रैंकलिन कहाँ चला गया? फ्रैंकलिन मैं नीचे हूँ, तुम कहाँ हो? गाइस यार बहुत ही थक के मैं ऊपर आ चुका हूँ। एक सेकंड, लूसीफर कहाँ चला गया? ओके यार वो नीचे जा चुका है। अरे यार भाई ऊपर नीचे करना बंद करो, अब मैं भी गाइजर मुझे नीचे आना पड़ेगा। चलो अब कुछ नहीं कर सकते। अरे अरे एक सेकंड यहाँ पे तो बहुत फिसलन है। अरे ये तो स्लाइड है, मैं तो भाई स्लाइड होते हुए नीचे जा रहा हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो भाई नीचे गिर रहा हूँ। ओके अब ठीक है, चलो। अरे यार यहाँ पे तो अजीब टाइप का मैं स्लाइड हो रहा हूँ दोस्तों, ये देखो। ओ नो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो स्लाइड होके नीचे जा रहा हूँ, बचाओ। ओके भाई ये स्लाइड तो बहुत ही खराब था। फाइनली यार लूसीफर मुझे मिल चुका है, नीचे ही रहना लूसीफर। फाइनली वो देखो वो रहा। लूसीफर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लूसीफर फ्रैंकलिन तुम वापस से आ गए? अच्छा घोस्ट राइडर का अंडा देने के लिए आए होगे। हाँ दे दो अंडा दे दो। घोस्ट राइडर का अंडा नहीं, तुमने कैसा घोस्ट राइडर दिया था? पता है तुम्हें साइबेरियन डांसिंग लेडी ने उस घोस्ट राइडर को जमीन के अंदर गाड़ दिया और जला भी दिया। साइबेरियन डांसिंग लेडी तो बहुत खतरनाक है भाई। यार ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें यार कुछ मदद मेरी करनी पड़ेगी क्योंकि यार पता है उसने अब एक और कांड कर दिया है। पता है साइबेरियन डांसिंग लेडी ने क्या किया? अपने दो दोस्तों को जमीन से निकाल के दोबारा से जिंदा कर दिया है। मतलब कि अब साइबेरियन डांसिंग लेडी अकेली नहीं, उसकी दो दोस्त भी आ चुकी है। इसलिए मुझे यहाँ पे और ताकतवर बनना है और मैं गाइजर अपने ही आप ही उसे हराना चाहता हूँ। मुझे कोई घोस्ट राइडर या फिर किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर तुम्हें ये लगता है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। अरे यार ये लूसीफर ना बहुत ही लालची है। पिछले बार गाइजर इसने मुझसे दिल लिया था, मतलब गाइजर चैलेंज करके मैंने इसे दिल दे दिया था। अब गाइजर पता नहीं है मुझसे क्या मांगता है। अरे हाँ लूसीफर इस बार तुम क्या चाहते हो? मैं इस बार चाहता हूँ तुम किसी का आत्मा ला के दो। एक सेकंड, आत्मा? मैं आत्मा कहाँ से ला के दूंगा? अरे टेंशन क्यों करते हो, चैलेंज है ना, चैलेंज कम्प्लीट करो, आत्मा मिल जाएगा, वो मुझे दे देना। ओके यार चलो ठीक है। गाइज आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं गाइजर इसके पास आ रहा हूँ बार बार पावर लेने के लिए, बट गाइजर मैं इसको खुद ही क्यों नहीं बोल रहा कि ये मेरे साथ चले और वहां पे साइबेरियन डांसिंग लेडी को मार दे। बट गाइजर मैं आपको सच बताऊं ना, लूसीफर गाइजर ये अपनी दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब ही गाइजर ये नर्क की दुनिया को अगर छोड़ के चला जाएगा तो भाई ये नर्क की दुनिया भी तबाह हो जाएगी क्योंकि गाइजर ये नर्क का देवता है ये लूसीफर। ओके तो चलो, तो गाइजर लूसीफर के लिए मुझे यहाँ पे आत्मा को जीतना पड़ेगा चैलेंज में। तो चलो गाइजर चैलेंज की तरफ चलते और चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं। ओके तो गाइजर हम लोग यहाँ पे चैलेंज में आ चुके हैं एंड गाइजर ये बहुत ही कमाल का चैलेंज मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं। ओके अब मुझे यहाँ पे चैलेंज को कंप्लीट करना और गाइजर लूसीफर को आत्मा ला के देना है अगर मैं चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगा तो। तो यहाँ पे गाइजर बहुत सारी गाड़ी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बट गाइजर मैं ना यहाँ पे एक ही गाड़ी लेने वाला हूँ जिसका नाम है सुपरा। ये देखो ये वाली गाड़ी। चलो एक काम करते जल्दी से बैठते एंड गाइजर ये गाड़ी से मैं यहाँ पे चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलो गाइजर चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। लूसीफर चिंता मत करो, मैं तुम्हें आत्मा ला के जरूर दूंगा। ओके गाइज ये देखो यहाँ पे गाइजर भाई यहाँ पे स्पीड आ चुके और गाइजर मुझे यहाँ पे विंड व्हील से बचते हुए जाना है। एंड गाइजर मैंने यहाँ पे पहला पड़ाव कंप्लीट कर दिया। अब लगता है गाइजर मुझे यहाँ पे स्विच करना होगा बाइक में क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारी बाइक हैं।
ओके चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लैक वाली बाइक एक ले लेते हैं, ये बाइक मुझे ठीक लग रही है, सारी की सारी बाइक सेम टू सेम है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस मुझे यहाँ पे विंड व्हील से बचना होगा, अगर मैं विंड व्हील से टकरा जाता हूँ तो मैं गाइज़ नीचे गिर जाऊंगा और ये मैं कतई नहीं चाहता और मैं बच चुका हूँ। गाइज मैं तो ये चैलेंज मैं आराम से कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि यार मैं चैलेंज का प्रो हूँ, प्रो। हाँ गाइज यार मैं चैलेंज का प्रो हूँ, मैं कोई भी चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ, इसलिए तो लूसीफर मुझसे ही चैलेंज कंप्लीट कराता है, बेचारा लूसीफर कुछ चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाता। ओके यार अब तो यार मुझे लगता है यहाँ पे गाइजर बहुत ही स्पीड से होने वाला है जंप, क्योंकि गाइजर देख रहे हो यहाँ पे गाइजर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल चुकी है। एंड गाइजर दोबारा से लगता है कार चेंज करने का टाइम आ चुका है, मतलब गाइजर इस बार मुझे गाड़ी लेनी होगी। तो एक सेकेंड, एक और कमाल की गाड़ी मैंने देखी है, ये वाली, ये गाइजर बूस्ट वाली गाड़ी है जो बहुत ही कमाल की है, ये गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें गाइजर अपने आप ही बूस्ट लगता है। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये वाली गाड़ी है। एंड गाइजर पीछे देखो इससे बूस्ट निकलती है, ये देखो। ओके ये गाइजर बहुत ही सुपर फास्ट है, ये देखो। ओके भाई ये तो बहुत स्पीड चल रही है, 200 की प्लस की स्पीड है इसकी। ओके अब गाइजर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट जंप लेने वाला हूँ, ये देखो। ओके भाई ये तो बहुत ही लंबा जंप था मेरी ओर से। ओके अब गाइजर मुझे यहाँ पे दोबारा से जंप लेना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पे ले लूंगा। और मुझे यहाँ पे टनल के अंदर जाना है, चलो टनल के अंदर। मैं गाइजर आराम से टनल के अंदर जा चुका हूँ, ये ओके। बस गाइजर मैं बस ये चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा दूर हूँ, जैसे मैं कंप्लीट कर दूंगा और सही गाइजर मेरे को पावर मिल जाएगी। ओह नो नो, विंड व्हील में नहीं टकराना, बार बार बच गया गाइजर मैं यार, लास्ट में विंड व्हील में टकरा गया था। बट गाइजर कोई बात नहीं, अब गाइजर बस मुझे यहाँ पे जंप करना है सही जगह पे, उस जगह पे लैंड करना, अगर मैं कर दिया तो गाइजर भाई मैंने चैलेंज को कंप्लीट कर दिया, ये देखो। लगता है गाइजर मैं ये आराम से कर लूंगा, ये वाह मजे आ गया, मान तो थोड़ा उल्टा करूंगा बट कर लिया मैंने, ये देखो फाइनली गाइजर मैंने कर दिखाया यहाँ पे चैलेंज को कंप्लीट। लूसीफर ये देखो यहाँ पे तुम्हें एक आत्मा मिल गई है। शुक्रिया तुमने मुझे खुश कर दिया, अब मेरी बारी है, रुको मैं तुम्हें पावर देता हूँ। ये लो फ्रैंकलिन, अब तुम हमारी तरह ही उड़ सकते हो, मार सकते हो और वार भी कर सकते हो, तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी, जाओ अपने दोस्तों को बचाओ। गाइज ये देखो, सच में गाइजर यहाँ पे लूसीफर ने मुझे कमाल की पावर दे दी है, देख रो मेरे पास कवच भी आ चुका है। अब गाइजर मैंने अपनी दुनिया में जाके अपनी पावर को टेस्ट करूंगा। ओके यार लूसीफर मैं चलता हूँ, चलो गाइजर अपनी दुनिया में वापस चलते हैं, और से भी मैंने यहाँ पे काम कर दिया है लूसीफर का, लेट्स गो अपनी दुनिया में चलते हैं दोस्तों। ओके तो यार ये देखो फाइनली यार मेरे पास पावर भी आ चुकी है और बाइक भी आ चुकी है, अब गाइजर आने वाला है मजा, क्योंकि गाइजर अब मैं यहाँ पे साइबेरियन डांसिंग लेडी को पूरे तरीके से खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि गाइजर मैं यहाँ पे लूसीफर की पावर लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लूसीफर ने गाइजर मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब गाइजर मैं यहाँ पे किसी से भी रुकने वालों में से नहीं हूँ, अब यार मैं अपने दोस्तों को बचा के रहूंगा, मतलब गाइजर अवेंजर्स लोग को बचा के रहूंगा। और गाइजर सबसे पहले तो मैं साइबेरियन डांसिंग लेडी को मारूंगा, तो चलो गाइजर जल्दी जाते हैं, देख रहे हो गाइजर मेरे पास कमाल की पावर आ चुकी है, चलो चलो जल्दी चलो अब आने वाला बहुत ही मजा, लेट्स गो। भाई गोस्ट राइडर तो रहा नहीं बट गाइजर मैं उसकी बाइक जरूर चला पा रहा हूँ, क्योंकि यार इसकी बाइक इतनी कमाल की है ना मैं क्या ही बताऊँ। अब से गाइजर ये मेरी बाइक है, यू दोस्तों मेरे में सूट भी कर रही होगी ना, हाँ जरूर जरूर, तो अब से गाइजर ये बाइक मैं चलाऊंगा। ओके फाइनली गाइजर हम लोग आ चुके हैं कब्रिस्तान में, जहाँ पे गाइजर साइबेरियन डांसिंग लेडी और उसके सारे दोस्त लोग हैं। अब गाइजर मैं वो लोगों को बताने वाला हूँ ना कि भाई वो लोगों को मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था और घोस्ट राइडर को भाई मारना नहीं चाहिए था। कहाँ है वो लोग, कहाँ गए, ये देखो दोस्तों ये रहे। अब यार आने वाला है मजा, तुम लोग यार मुझे बहुत परेशान किया और मेरे दोस्तों को भी, अब मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, देख रहे हो गाइजर इसने घोस्ट राइडर को भी यहाँ पे दफना दिया है, मैं गाइजर ये लोग को छोड़ देने वाला। फ्रैंकलिन क्या करोगे, हमारे साथ डांडिया खेलोगे तो खेलो मजा करो, ऐसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते समझे। किसने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे दोस्तों का बिगाड़ूंगा, इधर आ जाओ, कैसा लगा मजा आया। अब गाइजर सबसे पहले इसके दोस्तों लोग को मैं गाइजर मारने वाला हूँ, मतलब कि गाइजर पूरे तरीके से जला दूंगा, ये लो जलो पूरे तरीके से, मेरी बाइक में जल जाओ समझे, गाइज ये लो जाओ मेरी बाइक में, मजाया इधर आओ मैं तुम्हें छोड़ देने वाला समझे, मैं तुम्हें गाइजर खत्म कर दूंगा, ये लो बढ़िया है भूत बन करके। गाइजर इसको तो मैंने यार पूरे तरीके से जला ही डाला, कैसा लगा। वो मेरा प्यारा दोस्त था, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अभी देखो मैं तुम्हारे दूसरे दोस्त के साथ क्या करता हूँ, इधर आओ, इसे भी गाइजर मैं उठाता हूँ एंड गाइजर जला देता हूँ, ये अपने आप को क्या समझ रहा है, बच जाएगा, नहीं नहीं बचेगा, इसे भी गाइजर मैं जला के पूरे तरीके से राख कर दूंगा, ये लो तुम लोगों ने बहुत ही बुरा किया, मजा आया कैसा लगा।
गाइस इसको तो पूरे तरीके से मैं मार ही डालूंगा। बड़े आए थे मेरे दोस्त लोग को मारने के लिए, इधर आओ मैं इसे अभी बताता हूँ, ये लो। मजा आया। अब गाइस यार इसकी बारी है साइबेरियन डांसिंग लेडी की। ऐसा तो फ्रैंकलिन सबको मार देगा, मुझे भी मार देगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। अरे हाँ, मैं घोस्ट राइडर को जिंदा करती हूँ, लेकिन अब वो मेरा काम करेगा। घोस्ट राइडर जल्दी से जिंदा हो जाओ। ये देखो दोस्तों, घोस्ट राइडर जिंदा हो रहा है। बोलिए आपको मुझसे क्या काम है? जाओ फ्रैंकलिन को मजा चकाओ। जैसा आप कहें। अरे यार घोस्ट राइडर तुम जिंदा हो गए। अरे अच्छी बात है, देख यार मेरे पास ही पावर आ चुकी है और हम लोग साइबेरियन डांसिंग लेडी को मार रहे हैं। एक सेकंड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मुझे मारोगे क्या? हाँ मैं तुम्हें मारूंगा। ओनो गाइस ये क्या, घोस्ट राइडर भाई मुझे मारेगा, ये चल क्या रहा है? अरे घोस्ट राइडर पागल हो गए लोगे क्या, मुझे क्यों मारोगे? ओनो गाइस ये तो मुझे जला रहा है। भागते कहाँ हो, साइबेरियन डांसिंग लेडी ने कहा है तुम्हें मारने के लिए। ओनो गाइस ये तो मुझे जला रहा है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साइबेरियन डांसिंग लेडी आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा आपके लिए, मैंने फ्रैंकलिन को जला डाला। अब आएगा ना मजा, अब घोस्ट राइडर भी मेरी तरफ से हो चुका है। क्यों घोस्ट राइडर, लॉस सैंटोस में कब्जा करोगे ना मेरे साथ? जैसा आप कहें मालिक। ओ नो गाइजर ये क्या हो गया, घोस्ट राइडर गाइजर साइबेरियन डांसिंग लेडी के साथ कैसे मिल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है गाइजर साइबेरियन डांसिंग लेडी ने घोस्ट राइडर के ऊपर जादू किया है, इसी वजह से गाइजर घोस्ट राइडर अब उसकी बात मान रहा है। अब गाइजर मुझे भी यहाँ पर कुछ अलग करना पड़ेगा, मुझे भी गाइजर अपनी टीम बनानी पड़ेगी, तब गाइजर मैं यहाँ पे साइबेरियन डांसिंग लेडी को मार पाऊंगा, क्योंकि गाइजर घोस्ट राइडर तो मुझे कुछ करने नहीं देगा। ओ नो, देख रो गाइजर किस्मत तो देखो, घोस्ट राइडर आया था गाइजर मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए, अब गाइजर वो मदद कर रहा है साइबेरियन डांसिंग लेडी का। अब पता नहीं गाइजर क्या होने वाला है, देखेंगे गाइजर नेक्स्ट एपिसोड में कि हम लोग गाइजर घोस्ट राइडर और साइबेरियन डांसिंग लेडी को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते। आप लोग बताओ गाइजर मुझे अब किससे मदद मांगनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताओ। मिलते हैं गाइजर इसके पार्ट 3 में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गाइजर कमेंट करके पार्ट 3 जरूर लिखना और कमेंट करके ये बताना मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। ओके तो यार मिलेंगे नेक्स्ट शोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।